नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने संख्या पद्धति में भाग एक, भाग दो और भाग तीन और भाग चार तक पढ़ा था। हमने भाग चार में हमने कुछ सूत्र देखे थे और उन सूत्रों के आधार पर सवाल करे थे। आपने बहुत अच्छी तरह से उन सूत्रों को याद कर लिया होगा, उन सवालों को करके देखा होगा, उनके उत्तर मिल गए होंगे। अब हम आगे बात करें भाग नंबर पांच की। भाग पांच, हमने जो सूत्र देखे थे उस सूत्र के आधार पर सवाल है। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं बोर्ड पे। सवाल नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और नौ, नौ सवाल है। तो इन सवालों की आप जल्दी से इनको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इनको बारी बारी से हल करके देखते हैं। ये सभी सवाल आरएस अग्रवाल के हैं, आरएस अग्रवाल बुक के हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि सवाल इस तरह से आएंगे, हो सकता है इनके स्थान पे संख्या बदल जाए, लेकिन करने की जो विधि है, मेथड है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसे हम करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, दिख रहा होगा क्लियर। बच्चों को कई शिकायतें रहती है कि थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ बराबर दिखाई ना दे तो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा गौर से सुने और उसको सुन के लिख लें। बोर्ड पे दिखाई नहीं देता है कभी कभी बीच बीच में, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इसमें हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जब इस महामारी से बाहर निकलेंगे तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। पर आप पढ़ेंगे जरूर, अगर आपको पढ़ने की प्रबल इच्छा है तो आप सुन के भी पढ़ सकते हैं। और वैसे भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे दिखाई दें। तो चलिए हम शुरू करें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन सभी सवालों के लिए। अब हम देखें बारी बारी से। मैं इन सवालों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ। फिर एक 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 करके करें हम सवालों को। तो बहुत सिंपल है। ऐसे देखने पे लगता है कि इसको कितनी बार हल करेंगे, कितनी बार जोड़ेंगे, कितनी बार घटाएंगे, कितनी बार गुणा करेंगे, उसके वजह से ये सवाल है। पहला सवाल 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बटे 956 गुणित 956 प्लस 479 गुणित 479। फिर दूसरा सवाल है अपने पास क्या, 783 गुणित 783 गुणित 783 प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217 अपन 783 783 माइनस 783 इंटू 217 प्लस 217 इंटू 217 इक्वल टू क्या है बराबर, किधर साइड हमको ज्ञात करने का चिन्ह है। अगला सवाल है
नौ सौ इकतीस प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे 931 गुणित 931 प्लस 138 गुणित 138 बराबर ज्ञात करना है। फिर अगला है 46 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग या 46 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर इक्वल टू ज्ञात करना। तो पहला सवाल हम करें कैसे करने का बोला था, कल भी हमने इस टाइप के सवाल करे थे तो उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले तो ये सवाल था हमने कल भी करा था, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम मानते हैं, मैं इस सवाल को फिर से मान के कर रहा हूं, उसके बाद में आप खुद करेंगे देखेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम पूरे सवाल में देखेंगे तो हमारे पास इस टाइप के जब सवाल होंगे तो सिर्फ दो नंबर होंगे जो अलग अलग होंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कितने नंबर हमारे पास, दो, 956 है और दूसरा क्या है 479, 956, 956, 956, फिर यहाँ पे 479, 479 और 479, सिर्फ दो ही नंबर है कौन कौन से, एक तो 956 है और एक 479। एक नंबर को क्या मान लेंगे हम ए और दूसरे को क्या मान लेंगे हम बी। माना कि ए बराबर 956 और बी बराबर 479, 479 ये मान लेते हैं। मतलब क्या हुआ, जहां जहां 956 है वहां ए रखेंगे और जहां जहां 479 वहां बी रखेंगे। अब आगे देखेंगे 956 के स्थान पे क्या रखना हमको, ए, ये रख दिया हमने ए, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस, 479 के स्थान पे क्या रखना है बी, इसका वर्ग प्लस इसके स्थान पे क्या रखना ए, फिर माइनस इसके स्थान पे क्या रखना बी इसका वर्ग बटे में ए, ए कितना है दो है तो इसलिए हमने वर्ग लगा दिया। 479 कितने हैं, एक और दो, बीच में प्लस है प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बराबर में जो ज्ञात करने का चिन्ह था उसके स्थान पर हम क्या रख लेंगे x। इतनी बात समझ में आई, यहाँ से एक ऐसा आया क्योंकि हमने इसके स्थान पे a मान लिया और इसके स्थान पे b मान लिया, तो जहाँ जहाँ नंबर थे वहाँ पे हमने a और b रख दिया। अब हमने कल जो सूत्र देखा था उस सूत्र के आधार पे यहाँ पे कोई ना कोई सूत्र बन रहा होगा। आप लोग सूत्र नंबर देखोगे चौथा या पांचवा सूत्र होगा, आपने जब नोट्स बनाया होगा तो देख लेंगे कॉपी में कौन सा सूत्र है, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है हमारे पास। सूत्र तो याद करना पड़ेगा, सूत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वीडियो जो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, या वीडियो के नीचे आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे पूरी वीडियो की सीरीज आ जाएगी। तो भाग पाँच चल रहा है, भाग चार में जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सूत्र मिल जाएंगे, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो इसका सूत्र होता है दो, इसका सूत्र होता है दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से ही है बराबर x। इसके बराबर ये सूत्र होता है हमने देखा था, इसका इसको हल करने पर ये सूत्र कैसा आता था ये भी मैंने बताया था, हल करके बताया था, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचा कितना अपने पास दो बराबर x, तो अपने पास उत्तर क्या आएगा, अपने पास उत्तर आया दो, ये उत्तर आ गया। बहुत सिंपल है, बस हल कैसे करते हैं उसकी विधि याद रहना चाहिए, आपको बड़ी आसानी से सवाल आ जाएंगे।
सूत्र, आठ सूत्र जो है वो सूत्र हमें याद होंगे, तो अब हमको इन नंबर से कोई मतलब ही नहीं। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है कि बहुत, कितना जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, कितना वर्ग करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है। इस तरह सॉल्व करना है। पहला सवाल स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला सवाल देखें। इसी पर सर अगला सवाल देखें हम। और इसी प्रकार का एक सवाल है, जिसको हम देखते हैं। सवालों का जो क्रम है वो आप आपके हिसाब से डाल लेना, मैं हो सकता आगे पीछे डाल दूं, पर आप समझ जाएंगे इतना तो। एक सवाल है यहाँ पर इसी प्रकार का है, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे 931 गुणित 931 प्लस 138 गुणित 138। इसको ज्ञात करना है। आप कोशिश करें इस सवाल को करने के लिए, फिर मैं बताता हूँ इसको। अभी जैसे किया था वैसे ही करना है। कितने लोग कर पाते हैं अपने आप से, करिए और देखिए। चलिए उत्तर निकाल लिया होगा आप लोगों ने। मैं अभी डायरेक्ट करता हूं। क्या करते हैं, एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। तो ए यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एक्स। ये भी सेम डिफरेंस सवाल है। फिर से यहाँ पे सूत्र बन जाएगा। कौन सा सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है, ये कट जाएगा। फिर से उसका उत्तर कितना आ रहा अपने पास, 2। ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। बात समझ में आ रही है। अब परीक्षा में अपने पास इतना समय थोड़ी रहता है कि माना ये सब लिखना रहता है। वैसे भी आप सवाल को जैसे देखोगे तो
अगर आपने अच्छे से पढ़ा है समझा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो दो। आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम मान रखेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा दो, और अगर समझ में नहीं आता है तो इस तरह से हल कर लेना। चलो अगला सवाल देखें हम। अगला सवाल इसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा एक और सवाल है। सभी सवाल मैंने पहले स्क्रीनशॉट लेने का बोल दिया था। 590 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 590 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे 590 गुणित 187 बराबर ज्ञात करना। ये भी उसी प्रकार का सवाल है, एक के स्थान पे ए मानना एक के स्थान पे बी मानना, लेकिन सूत्र सही लगा लगा। सूत्र कौन सा लग रहा है वो आप देख सकते हैं कि कौन सा सूत्र लग रहा है। क्या करते हैं हम, माना ए बराबर 590, एक नंबर को ए मान लेते हैं दूसरे नंबर को बी मान लेते हैं। पहला नंबर ये है दूसरा नंबर ये है, हमने मान लिया, अब मान रख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके स्थान पे ए माना इसके स्थान पे बी माना, माइनस 590 माइनस 187 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम ए और बी मान रहे ना, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बराबर याद करें ये कितना है ए और ये कितना है बी। अब इसका सूत्र सही लगाना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने इसको हल किया था तो हमारे पास उत्तर आया था, इसका सूत्र होता है 4ab बटे ab, ये ab से भी कट जाएगा तो उत्तर कितना बचा अपने पास 4, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। इन नंबर से कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। इसका सूत्र मैं बता देता हूँ क्या सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ऐसा सूत्र होता है, ये हमने सूत्र देखा था। तो अभी ये आया है अपने पास तो इसका ये सूत्र बन जाएगा, तो ये कट जाएगा ए बी से भी कट जाएगा, बच्चा कितना अपने पास 4, यह आ गया अपने पास उत्तर। ठीक चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला सवाल है। अगर आप अच्छे से किए होंगे तो अगले सभी सवाल आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। सवाल है
783 और 783 प्लस 217 बटे 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217। ये सवाल है हमारे पास जो आप लोगों ने पहले स्क्रीनशॉट लिया था होगा। एक और सवाल इसी प्रकार का है जिसको मैं इधर लिख देता हूँ। छ सौ 93 गुणित 693 गुणित 693 माइनस 383 गुणित 383 गुणित 383 बटे 693 गुणित 693 प्लस 693 गुणित 383 प्लस 383 गुणित 383। ये दूसरा सवाल है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सवाल रहता है उसमें इस टाइप के जो सवाल आते हैं सिर्फ दो नंबर होते हैं। पहले हम इसको करें फिर उसको करेंगे। तो हमारे पास दो नंबर कौन से, एक तो है 783 दूसरा है 217। तो क्या करें हम, इसको मान ले ए और इसको मान ले बी। ए ए ए कितने हो जाएंगे, एक ही घात तीन। बीच में क्या है, प्लस हो तो प्लस रखना, माइनस हो तो माइनस रखना। तो बीच में अपने पास प्लस है, इसको ए मान लिया, ए ए ए एक ही घात तीन हो जाएगी। तो बी मान लिया, तो बी 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 कितने बी, तीन। तो ये हो गया बी की घात तीन। इधर ए ए कितने हैं, दो। ए बी ए बी फिर इसको क्या मान रखा हमने, बी बी का स्क्वायर बराबर ज्ञात कर। ठीक है, इसके स्थान पे ये बन जाएगा, मान लेंगे इस तरह से तो बन जाएगा। अब हमको क्या देखना है, हमको सूत्र देखना है जो हमने सूत्र कल देखे थे उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, याद हो गए होंगे। ए की घातांक तीन प्लस बी की घातांक तीन, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की घातांक तीन प्लस बी की घातांक तीन, उसका सूत्र ये होता है, बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स। इसका सूत्र यह होता है, आप देख सकते हैं अगर याद नहीं है तो, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। अब ये ऊपर की संख्या गुणे में है और ये बटे में ए की घात ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाले से ये वाला कट जाएगा। बचे क्या हमारे पास, ए प्लस बी बराबर एक्स। ए प्लस बी, उधर जब हम सवाल कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास डायरेक्ट उत्तर आ रहा था, कभी दो आ रहा था या कभी चार आ रहा था, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी के रूप में उत्तर आया। तो a और b का मान रखना पड़ेगा। a हमने किसको माना था, a हमने माना था 783 को, b किसको माना था हमने 217 को, 217 को। तब इनको जोड़ देंगे, तीन और सात 10 का जीरो हासिल, एक एक और आठ नौ और एक 10 का जीरो हासिल, एक सात और दो नौ और एक 10। हमारे पास उत्तर कितना आया, 1000। ये होगा अपना उत्तर। इतना सा डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा,
सूत्र तो वैसे के वैसे बनाना है, सूत्र हमने जो 8 सूत्र देखे थे वहां से हम लिख लेंगे और ये कट जाएगा, बचा कितना अपने पास a प्लस बी, यानी कि a का मान रख दिया और b का मान रख दिया। चाहो तो आप यहाँ पे पहले लिख सकते हैं माना करके, माना कि इधर लिख देता हूँ मैं, a बराबर कितना 783 और b बराबर कितना था 217। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखते से पता चल जाएगा कि उत्तर कितना आने वाला है, किस तरह से आने वाला है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये जोड़ देंगे या तो फिर कभी घटा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये सवाल समझ में आया। इसी प्रकार के एक और सवाल है, उसको देख लेते हम। क्या है यहाँ पर a बराबर कितना 693, b बराबर कितना अपने पास 383। इतने सवाल है, ये सवाल है इस टाइप का। अब हम मान रखेंगे तो ये a है और ये b है, a की घातांक 3 b की घातांक 3, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी के जैसा सूत्र बनेगा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे ए की घातांक 3 प्लस बी की घातांक 3 था और यहाँ पे ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 बनेगा। एक बार फिर से मैं रख देता हूँ, फिर आप अगले सवाल जब करोगे तो थोड़ा ट्रिक से कर लेना। तो कितना हो जाएगा, ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स, ऐसा बन जाएगा ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3, ये 3 ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सूत्र अगर हमको याद नहीं रहता है तो हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि एक भाग को, जैसे ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 है, मतलब जो हमारे पास मान आएगा वो कौन सा आएगा, ए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा ए माइनस बी, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी। बाहर का सूत्र ऐसे याद रखना है, और अंदर वाले सूत्र को लिखने के लिए नीचे वाला पहले से ही लिखा रहता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही वाला मान ऊपर भी आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स। अब हमको इतना तो पता है कि नीचे जो मान है वही के वही ऊपर जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ए माइनस बी, क्या बचा ए माइनस बी बराबर एक से चल रहा था। ए का मान कितना लिया था, बी का मान कितना लिया था, ए का मान हमारे पास था 993, बी का मान कितना था 383 बराबर एक से चल रहा था। ये उत्तर आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो अपने पास ये उत्तर बचेगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। चलिए देखें फिर हम बात इसको दूसरी विधि से भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें।
चलिए देखिए हम आगे। चलो इसको और कैसे कर सकते थे हम, ए की घातांक 3 प्लस बी की घातांक 3 बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना पता हमको। इसका सूत्र लिखेंगे तो नीचे वाला आएगा, तो नीचे वाले से एक भाग इसका यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी बचता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी बचता है। तो हम अगर हमको इतना देखते आ जाता है ए की घातांक 3 का सूत्र बनेगा, बी की घातांक 3 का सूत्र बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का बनता है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, सिर्फ ये वाला बचता है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है 783 प्लस बी का मान कितना है 217, तो इसको जोड़ने पे अपने पास कितना आ रहा है 1000, ये अपना उत्तर डायरेक्ट हो सकता था। ऐसा भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाना सिंपल इस तरीके से, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। इसको भी ऐसे ही देखिए हम, तो इसमें भी हम इसी विधि से अगर देखते हैं तो ये ए की घातांक 3 माइनस ये बी की घातांक 3 बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 है तो बटे का जो बनेगा वो पूरा की पूरा प्लस का बनेगा, ए की घातांक 3 माइनस ए की घातांक 3 प्लस बी की घातांक 3, ये जैसे ए की घातांक 3 प्लस बी की घातांक 3, तो नीचे जो बनेगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, एक चिन्ह बदल जाएगा। तो हमको याद कैसे रखना है, ए की घातांक 3 वाला सूत्र बन रहा है, ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 वाला सूत्र बन रहा है, या ए की घातांक 3 प्लस बी की घातांक 3 वाला सूत्र बन रहा है। अगर माइनस वाला सूत्र बन रहा है तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, ए माइनस बी करना है। अगर प्लस वाला सूत्र बन रहा है तो डायरेक्ट हमको ए प्लस बी करना है, बस सिंपली, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ए माइनस बी यानी कि ए का मान कितना है 693, बी का मान कितना है 383, 0 से 0 गया सॉरी 3 से 3 गया 0 1 3, यह आ गया अपने पास उत्तर, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसी टाइप में एक सवाल है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सात सौ पैंतीस माइनस 105, समझ गए होंगे आप कि इसके उत्तर में क्या आने वाला है। ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 तो कौन सा लगेगा, ए प्लस बी वाला लगेगा या ए माइनस बी वाला, यहाँ माइनस है मतलब ए माइनस बी का आएगा,
मतलब इसमें से इसको घटा देंगे उत्तर आ जाएगा। हम पूरा सवाल लिख रहे हैं लेकिन आप समझ जरूर रहे होंगे। 735 × 735 माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, 735 × 105 प्लस 105 × 105, समझ गए होंगे ये सूत्र बन जाएगा। ऊपर वाला ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3, ए का मान कितना अपने पास, ये का मान है 735 और ये है बी का मान। ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं दोनों विधि से एक साथ कर देता हूं, क्या बनेगा, ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स। ए माइनस बी इसका सूत्र होता है, देख सकते हैं आप सूत्र में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पीछे और ये आगे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसको ऐसे लिखना। आगे पीछे लिखा जा सकता, उसको ये वाले से ये वाला कट जाता है, क्या बचता अपने पास, a माइनस बी बराबर x। a का मान कितना था 735, b का कितना था 105 बराबर x। 735 में से 105 जाएगा तो कितना आएगा, 0, 3 और 6, 630, ये आ गया अपने पास उत्तर। अगर हमको सूत्र समझ में आ जाता देखते से तो क्या करते हैं, ये क्या बचेगा, ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 है, मतलब ए माइनस बी बचता। ए का मान कितना था 735, बी का कितना था 105, तो ये दूसरी मेथड है और ये पहली मेथड है। कितना है 630, ये अपने पास उत्तर आ गया। एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे, सूत्र लगाएंगे, सूत्र हमारे पास है लिखे हुए, उनको याद कर लेंगे अच्छे से, फिर हल करेंगे तो इस तरह से उत्तर आ जाएगा। एक और सवाल है हमारे पास इसी प्रकार का, ये सवाल है हमारे पास। तो ये भी उसी प्रकार का सवाल है, क्या करते हैं, हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर 680 है, दूसरा नंबर 320 है। एक नंबर को हम मान लेते ए, दूसरे नंबर को हम मान लेते बी, चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 680, बी बराबर 320, तब अपने पास क्या बन जाएगा, ए ए यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
माइनस ए बी बटे ए की घातांक तीन प्लस बी की घातांक ए की घातांक तीन प्लस बी की घातांक तीन बराबर एक्स कितना बनेगा। यहाँ पे ये भी उसी प्रकार का सवाल है। अब क्या होगा, इसका सूत्र लिख देंगे ऊपर वाला का, तो वैसे के वैसे रहने देंगे ऊपर वाले को। इसके लिए क्या बनेगा, ए की घातांक तीन प्लस बी की घातांक तीन, जब प्लस हो ए प्लस बी और अंदर क्या इसके बाहर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये माइनस का ए बी पीछे खसका रखा है, और इसको पीछे कभी इसको पीछे कभी इसको आगे आगे पीछे लिखा जा सकता है बराबर एक्स। ये वाले से ये वाला कट जाएगा, बचे क्या अपने पास, ऊपर वाला पूरा कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा बट में कितना ए प्लस बी बराबर एक्स। अभी सिर्फ इतना सा अंतर है कि पहले ये सूत्र ऊपर बचता था, अभी इस सवाल में ये सूत्र नीचे बच रहा है। इस बात का ध्यान रखना है कि ए की घातांक तीन प्लस बी की घातांक तीन या ए की घातांक तीन माइनस बी की घातांक तीन वाला जो सूत्र बनता है वो ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नीचे बन रहा है मतलब उत्तर बटे वाला आएगा, और ऊपर सूत्र बन रहा है मतलब उत्तर सीधा आएगा, उत्तर ऊपर ही आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक बटे ए प्लस बी, यानी कि ए का मान कितना है 680, बी का मान कितना है 320 बराबर एक्स। इनको जब जोड़ेंगे कितना होगा, एक बटे 1000, ये अपने पास उत्तर हो जाएगा। ये अपने पास उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के कोई से भी सवाल होंगे आपको करते आ जाएंगे, उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। कुछ एक और सवाल है, एक और सवाल हमारे पास छोटा सा सवाल है, एक छायाचित्र का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है, ये सवाल है। तो इस टाइप के सवाल आ जाए तो उनको कैसे करना है इसका भी ध्यान रखेंगे। सवाल किसी भी प्रकार का आता है लेकिन हम उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। हमने एक सूत्र देखा था, क्या सूत्र था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा सूत्र देखा था। ये प्लस यहाँ पे और ये माइनस यहाँ पे, ऐसा भी आ सकता है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसा भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो अभी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो सवाल है इसको हम हल करें। इसको मान के हमने क्या माना, माना ए बराबर 66 बी बराबर 34, ऐसे बोला था मैंने, एक को ए मानना है और दूसरे को बी मानना है। क्या मान लिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स। इसका ऐसे बन गया, इसका सूत्र ऐसा आएगा, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक्स। अब आगे देखें, ए का मान कितना है 66, बी का कितना है 34, फिर 66 माइनस 34 बराबर एक्स।
इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बराबर 1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 32 एकम 32 और 2 0, यह आ जाएगा अपने पास आंसर। छोटे छोटे सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हल कैसे करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की, आरएस अग्रवाल की जो मैथ्स की बुक है वो ले लेना, अगर पहले से अवेलेबल है तो उसमें से देख लेना, करते रहना, पढ़ते रहना। चलिए आगे देखें। ऐसे ही कुछ सवाल है, मैं लिख रहा हूं। तो ये दो सवाल है, ये भी उसी प्रकार के सवाल है। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, क्या करना, सबसे पहले तो मानना है और मान लेने के बाद में सूत्र बनेगा, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो आप सवालों को, किसी भी प्रकार का सवाल होगा इस टाइप में, कोई सा भी सवाल होगा, कोई सा भी नंबर होगा, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं,
सबसे पहले तो यहां पे क्या है, ए बराबर 963 है, बी बराबर कितना है 137 है। अब मान रखें ए की घातांक 3, बी की घातांक 3, प्लस है तो प्लस, बी की घातांक 3 बटे ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स। पहले भी हमने बात करी इनकी, ए प्लस बी सूत्र बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स। ये कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, ए प्लस बी बराबर एक्स। ए का मान कितना 963 प्लस बी का मान कितना 137 बराबर एक्स, कितना होगा 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 10 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल 1 10 और 1 11 दस और एक हासिल का 11 1100 अपने पास उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर क्या करना, एक को मानना ए, दूसरे को मानना बी, तो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो मान लेता हूँ, ए बराबर 256, बी बराबर 144, क्या बनेगा ए ए ए की घातांक 2, इधर बी बी 112, ये 112 तो वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको वैसे रहने देंगे। इसका क्या सूत्र बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटे 112 बराबर x। a का मान कितना था 256 माइनस b का कितना था 144 और इधर 256 प्लस 144 बटे 112 बराबर एक्स। 6 में से गया 2, इसमें से गया 1, इसमें से गया 1, इधर ये और ये जुड़ा कितना हुआ 10 का 0, 6 और 4 10 का 0 हासिल है, 4 और 5 9 और 1 10 का 0 हासिल है, 3 और 1 4 बटे में 112 पहले से ही, 112 से 112 कट जाएगा, बचेगा अपने पास 400, उत्तर आ जाएगा अपने पास 400। एक बात तो साफ है, क्या साफ है, ऐसे जब नंबर आएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा तो बटे में जो नंबर है वो या तो इसमें से इसको घटाने पर ये नंबर आ रहा होगा या फिर इसमें इसको जोड़ने पर ये बटे वाला नंबर आ रहा होगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ सवालों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी और सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस विधि को सीख जाएं। ये सवाल था अपने पास और यहां से लेकर ये हल है। अगर आपको ये विधि पता है तो आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ये घटाने पर ये नंबर आ रहा है या जोड़ने पर ये नंबर आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर अपन ने हल किया तो घटाने पर नंबर आ रहा था बटे वाला, तो जो घटाने पर आ रहा था वो तो कट जाएगा, मतलब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, जोड़ने वाला नंबर बचेगा, हम सीधे सीधे नंबर को जोड़ देंगे। और नहीं तो ये विधि है, इसको बार बार पढ़ो, इस वीडियो को बार बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं तब तक पढ़ो। क्या करते हैं, पहले मानते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं, फिर उसको हल करते हैं, फिर वापस सूत्र में मान रखते हैं, फिर जो नंबर आता है उसको काट लेते हैं और जो बचता वो उत्तर हो जाता है। चलिए अगला सवाल, दो सवाल है आखिरी, फिर हम बंद कर देंगे।
चलिए एक सवाल है, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए की घातांक 3 माइनस बी की घातांक 3 बराबर क्या होगा? ये सवाल है। एक सवाल ये है, एक सवाल है 106 गुणे 106 माइनस 94 इंटू 94 बराबर ज्ञात करना। कुछ नहीं है, सीधा ही सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। क्या करना है इस सवाल में, जैसे ये दे रखा है, इसका सूत्र सरल कर लेना है। इसको क्या करना है, इसको पहले सरल करेंगे। हम पहले क्या करते थे, हमारे को कुछ नंबर दिया रहता था, उसके बाद में हम सूत्र बनाते थे, जैसे ए और बी मान के किसी नंबर को ए मान लेते थे, किसी नंबर को बी मान लेते थे, फिर सूत्र बनाते थे। अभी यहाँ पे सूत्र बना के दे रखा है और ए और बी उसने खुद ने मान रखा है, तो हमारे को तो सिंपल है, कहीं नहीं करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो बटे वाले जो सूत्र है हमने क्या देखा था कि अगर माइनस है तो ए माइनस बी बाहर आएगा, और उसके बाद में जो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो तो जो ऊपर रहता वही कि वही, या तो फिर नीचे रहता तो वैसे कि वैसे बराबर x, तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा अपने पास, ऊपर वाला कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा है a माइनस बी बराबर x। अब इतना हर बार हम हल करते थे, यहाँ तक ऐसे सवाल ऐसे सूत्र बनाते थे, फिर ऐसे हल करते थे, इतना बचता था। तो यहाँ पे तो पहले से सूत्र दे रखा है, हमको बनाने की जरूरत ही नहीं। हम खुद मानते थे कि a बराबर इतना नंबर है, b बराबर इतना नंबर है, लेकिन यहाँ पे इसने खुद ने मान रखा है a बराबर 11 है, b बराबर 9। क्या करना है, जो मान रखा वो मान रख देंगे। a का मान कितना है 11, b का मान कितना है 9 बराबर x। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 1 बटे 2 बराबर x। तो हमारे पास उत्तर क्या आया, 1 बटे 2 यह आ जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, इतनी बात, यह प्रश्न था और ये हल हो गया। इधर क्या करें, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यानी कि ए बराबर कितना 106, बी बराबर कितना 94 यानी कि 94, तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए मान रखा ना इसको और इसको बी मान रखा, बी का स्क्वायर बराबर एक्स। इसका क्या सूत्र बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक्स। इस तरह से देखें हम इस विधि से आता है या नहीं आता है। a का मान कितना है 106 प्लस b का कितना है 94, फिर a का कितना है 106 माइनस b का कितना 94 बराबर x। इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 200, इसमें से ये घटाएंगे, किसमें से ये बचेगा 2, इधर बचेगा 1। कितना आ गया, 12 दो ना 24 और 2 0, ये आ गया अपने पास उत्तर। ठीक है, बात समझ में आई, इस तरह से करना है। तो उम्मीद है
क्या आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे? आपको अगर करियर बनाना है लाइफ में, सेटलमेंट होना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त तो कोई रास्ता नहीं है। मेहनत तो करना ही पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं है। इसलिए पढ़ते रहिए, उम्मीद है कि आप पढ़ते रहेंगे, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।